शुक्रिया। सिद्रा बतूल की कॉल है जी, मैं लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये ले। वालेकुम अस्सलाम जी। सिद्रा, क्या हाल है आपके और आपका मसला बताइएगा जल्दी से, टाइम बहुत कम रह गया। ओके। मेरा मसला ये है कि मेरे ना सर से लेकर कमर तक बहुत शदीद पेन होता है और ये बकायदा ना पेन मेरा चलता है, शोल्डर तक जाता है, बाजू तक जाता है, जोड़ों ज्वाइंट्स में जाता है ये, और मुझे इसकी इतनी तकलीफ होती है। और दूसरा मसला मेरा ये है कि जिसको मैं कुरान पाक की तलावत करती हूँ ना, मैं उसको ब्लाइंड हो जाती हूँ, मैं तलावत कर ही नहीं पाती, करना भी चाहूँ तो कर नहीं पाती, नमाज पढ़ना चाहूँ नमाज नहीं पढ़ पाती, ये सारी कंडीशन है मेरे साथ। और अगर जो भी मेरी लिफाफा करती है, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बात चीज बताइएगा, आपने कहा आप कुरान पाक की तिलावत करना चाहती हैं, कर नहीं पाती, उसकी होता क्या? नहीं, मैं खोल भी लूँ ना कुरान, हाँ, तो मुझे अल्फाज दिखाई नहीं देते। आपने अपनी आंखें टेस्ट कराई हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो सही है जी। और दूसरा ये कि जिन हिसाब से मैंने मालूम किया था वो नहीं, एक बात सिद्रा, एक बात सिद्रा, सिद्रा आप मुझे बताएं, आप उसके अलावा कोई दूसरी किताब पढ़ लेती हैं? नहीं, कोर्स की भी मेरी स्टडी भी इसी वजह से रहेगी, मैंने अभी ग्रेजुएशन के उसमें एडमिशन लिया था, मैं नहीं पढ़ पाई, मैंने छोड़ दिया। पढ़ नहीं पाई तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ पाती? नहीं, अपना कुछ नहीं पढ़ पाती, दूसरों के कोर्स की अगर मैं किताबें पढ़ूँ वो मैं पढ़ पाती। ये तो एक ऐसा हाँ, तो हर बच्चा यही करता, वो अम्मा की मैगजीन पढ़ता है, टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ता। पता नहीं क्या मसला है, फेल हो जाता। लेकिन मेरा शुरू से क्या कहते हैं रिजल्ट वगैरह जो है बहुत अच्छा रहा है, कभी इस तरह की सिचुएशन हुई नहीं। हाँ मेरी बहन, अब अपनी वालदा का नाम भी बता दें और फिर बात भी करती रहे, जरा फिर देख कर हो गई। सिद्रा अपने नसीर बेगम, नसीर बेगम अभी तबीयत आपकी बेहतर हुई है थोड़ी? घबराहट आ रही थी। नहीं, कोई बोझ खत्म हुआ है आपसे? थोड़ा बहुत फील हो रहा है। हो गया, फील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। अच्छा, क्या मतलब किसी चीज का कुछ है असर? कार्ड दिया है मैंने, आप ऐसा करें जो वजीफा हमने बताया था वो आपको याद ना हो तो वो आप पढ़े, जो दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर मंजिल एक दफा बिस्मिल्लाह, 1000 दफा फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, सुबह फजर के बाद आटा नमक चीनी पानी पे दम करें। क्या मैं इसे अब देख के पढ़ पाऊंगी? बिल्कुल पढ़ पाएंगी आप, बिल्कुल अभी सब कुछ पढ़ पाएगी, जबानी तो पढ़ सकती है ना। खोल लो अभी कुरान, खोल लो, बोलो अभी पढ़ो, अभी कुरान के हरूफ आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। खोल दो। सिद्रा आपके आसपास कोई किताब है आपकी अपनी, आप कह रही थी कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती हैं, आप खोल के इस वक्त चाहेंगी ये करना? कुरान उठा लो, बोलो रखो। ओह माय गॉड जी, देख पा रही अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, फिर इसके मंजिल एक दफा और दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11, पहला कलमा तीसरा कलमा अस्तगफार दुरूद शरीफ पानी पे दम करके पी, पहला कलमा तीसरा कलमा अस्तगफार दुरूद शरीफ सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अलअजीम, ये चलते फिरते पढ़े और वो पानी पे दम कर पिए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ। सुबह ठीक है आपको, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपसे बातचीत।